नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आज आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद के खिलाफ हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और एक हफ्ते के अंदर अखिलेश यादव ने बदल दिया है सपा के कार्यकारिणी अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह समेत 5 नए राष्ट्रीय सचिव को भी मौका मिला। माफ कीजिए, तो क्या जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या अखिलेश यादव का मन बदल रहा, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? आइए जरा समझा देते हैं पूरी खबर। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, दरअसल उन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक बयान दे दिया था, उसके बाद से उनके खिलाफ बीजेपी ने विरोध किया और अब तो समाजवादी पार्टी खेमे में ही विरोध होना शुरू हो गया। उसके बाद उनके खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ से भी इस पर सवाल पूछा गया, उन्होंने भी अपनी राय बताई। लिहाजा अब ये मुद्दा इतना तूल पकड़ लिया है क्योंकि पल्लवी पटेल जो सपा के ही साथ है, उन्होंने भी जमकर हमला बोला है और खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य पर माफ़ी मांगने की है, कहा कि उनको इस्तीफा दें। तो सवाल ये है कि क्या अब योगी सरकार उन पर कोई एक्शन लेगी, क्या अखिलेश यादव एक्शन लेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव का सपा कार्यकारिणी के बार बार बदलाव से ये समझ में आ रहा है कि शायद कोई एक्शन लेते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कोई राजनीतिक कनेक्शन है, क्या कोई सियासी हलचल है, ये समझना मुश्किल हो गया क्योंकि अपर्णा ने भी इस पर हमला बोला था। लेकिन अखिलेश यादव और डिंपल की चुप्पी ये बताती है कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को बचाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इतना ही नहीं दर्शकों, आपको एक बड़ी खबर और बता दूं, और बड़ी खबर ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है वो दरअसल बीजेपी की तरफ से सांसद है और उन्होंने इस मुद्दे से, इस बयान से, इस मामले से दरकिनार कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया। तो चीज़ों को समझिए कि कितना खतरनाक भयावह ये तस्वीरें, देखना पड़ेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या जेल जाते हैं या नहीं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।